ये कथा कैसी है? बहुत सुंदर बात एक लाइन में संतों ने कहा। संतों की विशेषता कितनी बढ़िया है कि बड़ी सी बड़ी बात को बहुत सुंदरता से छोटे रूप में कह देते हैं, और हम लोग छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं। ये अंतर है हम में और संतों में। संत बड़ी से बड़ी गहरी बात को बहुत टू द पॉइंट छोटे रूप में समझा देते हैं, और हम लोग छोटी छोटी सी बात को बहुत बड़ा जीवन में कर लेते हैं। महात्म में पहले ही संत कह दे रहे हैं कैसी है कथा। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तदादुनम। शाश्वत साधन, श्री कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? ऐसा रास्ता है जिससे हमारा जो एक्चुअल अल्टीमेट एम है वहां तक कैसे पहुंचे। एक्चुअल में हमारा अल्टीमेट एम है क्या, गोल है क्या? संसार के गोल तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस साल हमें ये प्रोग्रेस करना है, अगले 5 साल में यहाँ तक पहुंचना है, अगले 10 साल में हम अपने आप को यहाँ देखते हैं, फिर वो देखने वाला बचे ना बचे वो एक अलग बात है, लेकिन वो गोल बना करके रखता है। लेकिन संत कह रहे हैं तुम्हारा एक्चुअल गोल क्या है, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, इस लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है? ये जो मनुष्य हम दिखाई दे रहे हैं, ये हमें मनुष्योनी मिली किस लिए है? इन सारी बातों को जानने समझने के लिए श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। श्रीमद् भागवत हमें हमारी डेली लाइफ रूटीन में आने वाली कॉम्प्लिकेशन से कैसे डील करना है ये सिखाती है। लेकिन सीख हम तब सकते हैं जब इस कथा को बहुत ध्यान से, सावधान होकर के, जागरूक होकर के सुने। आपने एक शब्द सुना होगा, गंभीर कहते हैं, सुना आपने कभी? कहते ना गंभीरता से बैठना चाहिए, गंभीरता से सुनना चाहिए। इसका भी हम लोगों ने बहुत गलत अर्थ निकाला। हम लोग चेहरे से तो गंभीर हो गए लेकिन सुनने में गंभीर नहीं हो पाए। हमें लगता है बहुत सीरियस होकर बैठ जाने से बहुत अच्छे से सुनाई देता है, ऐसा नहीं है। हमारे ब्रज में कहा जाता है कि मुस्कुरा करके बैठने से जल्दी समझ में आता है, बट आज के टाइम पे मुस्कुराना बहुत महंगा है, दिखाई नहीं देता, बड़े से बड़ा आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। पर आज इन 7 दिनों में कोशिश करें, यहाँ पे भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि आप सबको मुस्कुराहट फ्री में मिल सकती है, कोई इसका चार्ज नहीं है, कोई जीएसटी नहीं। तो प्रेम से मुस्कुरा करके अच्छे से सुने तो आपको समझ में आएगी, ये कथा काम आएगी।